सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग विरुद्ध मनी लॉन्डरिंग की जांच के सिलसिले में हरियाणा राजस्थान में कई थावां पर छापेमारी की। अधिकारियों ने जानकारी दी है केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्डरिंग रोको कानून की धाराओं तहत जांच के हिस्से में दो सूबे लगभग 12 थावां पर तलाशी ले रही बिश्नोई जो उस समय जेल च है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल केस के मुलजमान चो एक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैंगस्टर विरुद्ध FIR दर्ज करके चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने FIR चार्जशीटों के आधार पर यह कार्रवाई की। भारत सरकार ने कराची की रहने वाली 21 साल जावेरिया खानम पुत्री अजमत इजमाइल खान को भारत का 45 दिन का वीजा देता है। वह वाघा सरहद राही भारत दाखिल हुई जिथे उसके मंगेतर समीर खान के होने वाले ससुर अहमद कमाल खान यूसुफ जई ने उसका स्वागत किया। समीर खान उसके पिता यूसुफ जई ने बटाला के कादिया में दसिया कि कोलकाता तो अज ही पहुंचे। उन्होंने दसिया कि वाघा बार्डर तो श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तो कोलकाता की फ्लाइट लेंगे। कुछ दिनों च ही समीर से जावेरिया खानम का विह होगा। जर्नलिस्ट मकबूल अहमद वासी कादिया ने उन्होंने इस मामले काफ़ी मदद की है। उन्होंने कोशिशों सदका उसकी मंगेतर भारत सरकार ने वीजा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अचानक हुई मीटिंग तो बाद शहर एक बार फिर नवे सलाहकार के नाम की चर्चा जोरां ते है। इस विच IAS सचिन राजीव वर्मा का नाम सब तो अगे। 1992 बैच के IAS अधिकारी ने मूल रूप में उत्तर प्रदेश के रहने वाले ने। सूत्रों अनुसार इन्हों तो इलावा अरुणाचल प्रदेश के सीनियर IAS अधिकारी डॉक्टर शरद चौहान का नाम भी चर्चा से। सौदे की दौड़ से संजीव कुमार, अश्विनी कुमार, मनीष गुप्ता, अमित यादव और डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम भी विचारे जा रहे। पंजाबी रैपर ते गायक योयोहनी सिंह खिलाफ नवांशहर च दर्ज FIR नूं रद्द करन दी मांग वाली पटीशन ते पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट नूं दस्सिया कि इस मामले च रद्द करन दी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उच्च अधिकारियों की मंजूरी मगरों इस नूं अदालत च पेश किया जाएगा। सूचना के आधार पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पटीशन का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि जेकर उन्हां खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो पहला उन्होंने 7 दिनों का नोटिस दिता जाए। हनी सिंह ने मैं हूं बलात्कारी गीत संबंधी शिकायत दर्ज FIR नूं रद्द करने लई हाई कोर्ट च पटीशन दायर की। नकोदर के एक निजी स्कूल के 12 बच्चे जहरीला पानी पीने कारण बीमार हो गए हैं, जिस मगरों निजी हस्पताल में दाखिल करवाया गया। जानकारी अनुसार सारे बच्चे 10वीं 8वीं जमात के विद्यार्थी ने। बीते दिन करीब स्कूल के अध्यापक बच्चों नकोदर के निजी हस्पताल ले गए। जब उन्होंने परिवार वाले इस संबंधी जानकारी मिली तो कुछ ही मिनटों में परिवारक मैंबर भी मौके पर पहुंच गए। हस्पताल के डॉक्टर ने तुरंत बच्चों का इलाज शुरू किया। फिलहाल बच्चे खतरे तो बाहर ने, उन्होंने इलाज जारी। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रहे भारतेंद्र सिंह चाहल विरुद्ध सख्त कार्रवाई न करने की राहत जारी रखदिया पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को हदायत की कि उन्होंने डॉक्टरी जांच प्रोफेसर पद्धर के 3 डॉक्टर को पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल करवाई जाए। इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई से 12 दिसंबर पेश करने की हदायत की गई है। हाई कोर्ट ने हस्पताल के प्रोफेसर पद्धर के डॉक्टर को जांच कराने की हदायत। मशहूर टीवी शो CID विच फ्रेडरिक्स का किरदार निभाउण वाले दिनेश फडनीस का देहांत हो गया। बीमार होने कारण काफी समय तो हस्पताल च दाखिल सन। उन्होंने मुंबई के तुंगा हस्पताल च भर्ती करवाया गया। अदाकार लंबे समय तो हस्पताल च जिंदगी ते मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। बीती रात करीब 12 बजे उन्हों की मौत हो गई। उन्होंने देहांत की जानकारी उन्होंने करीबी दोस्तों सह कलाकारों ने दी। इस उन्होंने सारे को स्टार उन्होंने घर पहुंच चुके। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रधान कमलनाथ दे पार्टी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे नूं मिलन की संभावना ते विधानसभा चोणां विच पार्टी की करारी हार तो बाद वो अपने अहुदे तों अस्तीफा दे सकते हैं। 163 सीटां जित के भाजपा नूं 230 मैंबरी मध्य प्रदेश विधानसभा च 2/3 बहुमत हासिल होया, जदों कि कांग्रेस नूं 66 सीटां मिलियां ने। चोणां पिछले महीने होईआं सन ते ऐतवार नूं वोटां की गिनती हुई सी। सूत्र दसदे ने कि कमलनाथ अज खड़गे नूं मिल सकते हैं ते उन्हां नूं पार्टी की सूबा इकाई के मुखी के अहुदे तों अस्तीफा देण लई कहा जा सकता है। चेन्नई चक्रवाती तूफान मिचौंग के कारण आई तेज हवावां ते भारी मीह कारण ना सिर्फ रेल सेवा प्रभावित हुई है सगो हवाई सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। चेन्नई तो देश के होर शहरों नूं जाण वाली रूटां ते किराए च भारी वाधा हुंदा विखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्टां मुताबिक यह वाधा 171% तक देखने मिल रहा है। चेन्नई हवाई अड्डे ने चक्रवात को देखते हुए खराब मौसम के कारण 5 दिसंबर सवेरे 9 बजे तक पहुंचने ते रवानगी रद्द करने का ऐलान किया। इस तों पहलां रात 11 बजे तक उडान संचालन मुअत्तल कर दिया गया। चक्रवाती तूफान मिचौंग ने चेन्नई तेज के आसपास के जिलों में तबाही मचाई है। तूफान कारण 5 लोगों की मौत हो गई। लगातार मीह कारण शहर के वख-वख हिस्सों में पानी भर गया, जिस कारण 2015 के हड़ां के मुड़ दोहराए जाने का डर पैदा हो गया। मीह कारण लोगों को पीने वाले पानी ते होर जरूरी वस्तां लई भज दौड़ करनी पै रही है। तेज हवावां दे नाल नाल तेज मीह कारण शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है ते इंटरनेट सेवावां ठप हो गई ने। चेन्नई के कई हिस्से ते नाल लगते कांचीपुरम, चेंगलपेट ते तिरुवल्लर दे विच भी पानी भर गया। सड़कां ते खड़े पानी नूं हटाउण लई सरकारी कर्मचारियों नूं तैनात।
मुंबई च होए 26/11 हमले के मुख साजिशकारा च एक अत्तवादी संगठन लश्करे तौयबा के खतरनाक अत्तवादी साजिद मीर नूं पाकिस्तान की एक जेल में जहर दे दिया गया। उसनूं बहावलपुर के मिलटरी हस्पताल च भर्ती करवाया गया जिथे उसकी हालत नाजुक दसी जा रही है। इस मामले च जेल के रसोईए की भाल जा रही है। सूत्रों मुताबिक सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान के अंदर साजिद मीर बेहोशी की हाल च मिले। शुरुआती जांच सामने आई कि उसके खाने च कोई जहरीला पदार्थ मिला दिता गया। खबर मिलदिया ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI वालों हैलीकॉप्टर राही बहावलपुर स्थित मिलटरी हस्पताल ले जाया गया। ब्रिटेन सरकार ने देश के प्रवासियों की बढ़ती गिनती से चिंता जाहिर की है। इस दौरान ही सरकार ने प्रवासियों की गिनती घटाने लिए नए नियमों का ऐलान किया। UK होम ऑफिस ने कहा है कि कदम लगभग 3 लाख व्यक्तियों को प्रभावित करेगा जो हुण नवे नियमों के तहत UK च दाखिल होने के योग नहीं होंगे। इस तो पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि प्रवास का पद्धर बहुत उच्चा है और इसे बदलने के लिए वचनबद्ध ने। ऋषि सुनक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कहा कि असी हुणे ही नैट माइग्रेशन च हुण तक की सब तो बड़ी कटौती का ऐलान किया। इतिहास च इस तो पहले किसी प्रधानमंत्री ने अजिहा नहीं किया। कनेडा विच पंजाबी विद्यार्थियों वालों पाए जाते रफड़ का असर आस्ट्रेलिया विच भी पैण लगे। जिस तरह कनेडा ते भारत विचाले खालिस्तान नूं लैके तनाव पैदा होया ते दोहां देशां दे रिश्ते बिगड़ गए ने। उस तों बाद आस्ट्रेलिया ने भी पंजाबी विद्यार्थियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हालात यह ने कि पंजाब के 50% विद्यार्थियों के वीजे रद्द हो गए हैं। खास करके पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों 12वीं जमात की प्रीख्या पास करने वाले विद्यार्थियों बहुत घट वीजे दिए जा रहे हैं। आस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड तो 12वीं पास करने वाले ज्यादातर विद्यार्थियों ऑफर लैटर देना बंद कर दिया। जनतक थावां ते नजायज़ तौर ते लगे होर्डिंगां ते बैनरां लैके नगर निगम ने सख्ती दिखाउणी शुरू की है। नजायज़ तौर ते जनतक प्रॉपर्टी ते लगे होर्डिंग ते बैनर लाउण वालियां नूं नगर निगम वालों जनतक नोटिस जारी किया गया ते बैनर ते बोर्ड ना उतारन दी सूरत विच कार्रवाई लई तैयार रहने दी चेतावनी दी। हासिल जानकारी मुताबिक निगम वालों इस संबंधी 15 दिनों का अल्टीमेटम दिता गया। निगम ने कहा कि जेकर बोर्ड नहीं उतारे गए तो 15 दिनों मगरों सारे नजायज़ समाजिक धार्मिक ते राजसी बोर्ड होर्डिंग नूं रस्ते ते पब्लिक जायदादां तों हटा दिते जाणगे ते जुर्माना भी लाया जाएगा। खालिस्तानी पक्षी सिख लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के कतल की साजिश दी रिपोर्टा ने भारतीय अमरीका में हलचल मचा दी है। यह मामला सामने आने मगरों अमरीका काफी औखा हो गया। इस संबंधी अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन के चोटी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत नाल कई दुवल्ले मुद्दे से चर्चा करने लई नवी दिल्ली आए हैं। हासिल जानकारी मुताबिक भारत अमरीका दुवल्ले मुद्दे की चर्चा करने तों इलावा खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू नूं अमरीकी धरती से कतल करने की साजिश रचने के मामले च भारत से लगे दोषों बारे भी गल करन जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी साझी की है। फिलहाल स्पीड न्यूज़ बस इना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।